सब्सक्राइब हरियाणा बीट्स एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। डाउनलोड करें हरियाणा बीट्स ऐप और देखें हरियाणवी गानों के साथ साथ अपने पसंदीदा शोज। हे गाइस, दिस इज गौरव और मेरे साथ है कुमार, लेकर आए हैं आपके लिए आपका अपना शो जिसका नाम है म्यूजिक लैब। तो म्यूजिक लैब में हम बेसिकली क्या करते हैं, चलो आपको बता देते हैं। आराम उठाते हैं कुछ गाने, उन गानों का करते हैं रिव्यू। तो चलिए दिखाते हैं आपको आज के कौन से वो चार गाने हैं जिनका हम करने वाले हैं रिव्यू। तो गाइस, ये हैं आज के चार गाने जिनके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या है इस गाने में खास और क्या कुछ बेकार है इस गाने में। और फिलहाल आपको बता दें कि जो सबसे पहले गाना चूज किया ना हम दोनों ने, वो बड़ा डिफरेंट है यार। मुझे बड़ा शौक है यार जीप्स का, और कुमार का मुझे पता नहीं, इनको जीप पसंद है या नहीं पसंद है, इनको जीप वाली ज़्यादा पसंद है मुझे लग रहा है। और आपको बता दूं कि ये गाना जो गाया है, ये गाया है MD ने और उनका साथ दिया है रेणुका पवार ने, और गाने के बोल बड़े डिफरेंट है। जीप उन्होंने खड़ी कर दी है बीच में, और जीप के इर्द गिर्द बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन भी की गई है। और इसमें एज अ मॉडल काम किया है, वो किया है सुनीता कौर ने, एंड एज अ डायरेक्टर जो इसमें काम कर रहे हैं यानी कि कैमरे के पीछे जिन्होंने भार संभाला है, वो हैं अयूब खान। तो आपको बताते हैं हम दोनों की फेवरेट वाली लाइन इस गाने की, फिर लोड कराते हैं, बताएंगे इस गाने के बारे में कुछ और खास बातें। तो ये है जी हम दोनों की फेवरेट वाली लाइंस। तो चलिए जानते हैं कुमार से, कुमार क्या है इस गाने में खास। गुरुजी, गाने का जैसा कि आपने बताया टाइटल जीप, और मैं बताना चाहूंगा कि एक ये पहले एक रागनी होती थी काफी साल पहले, बहुत टाइम पहले, और हमने काफी जो हरियाणी रागनियां होती थी तो काफी जो शोज वगैरह होते थे हमने काफी सुनी थी इस गाने को कि जीप रोड की रानी चाल रही है टॉप गियर में। तो उसी रागनी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा उसको रिमिक्स वगैरह करके इस गाने को तैयार किया गया है। और गाने के जो बोल हैं, लिरिक्स जो लिखे हैं इस गाने के, वो लिखे हैं महावीर जी ने। तो उसी रागनी को थोड़ा सा छेड़खानी करके मॉडिफाई करके उसको गाने में तैयार किया है। उसके अलावा इस गाने के जो डायरेक्टर हैं द अयूब खान, मोस्टली जो MD के जो गाने काफी टाइम से, लगभग 1.5 साल से मोस्टली गाने जो MD का जो डायरेक्शन है, वो उसका जो जिम्मा है वो द अयूब खान ने ही संभाल रखा है। और साथ ही इनकी टीम का हिस्सा है जो फिल्मी है, वो भी MD के लिए गाने लिख रहे हैं। तो टीम बिल्कुल कहेंगे कि पुरानी है, सेम है, लेकिन काम डेफिनेटली अगर हम पिक्चराइजेशन देखते हैं गाने की, बहुत ही कमाल की, बहुत ही उम्दा है। और मोस्टली देखो MD के गानों की खूबसूरती सबसे अच्छी ये होती है गौरव जी कि आपको पिक्चराइजेशन बहुत ही एडवांस और बहुत ही अच्छी मिलेगी आपको। अगर आप हरियाणवी सॉन्ग्स का अगर आप देखते हो, अगर आप उनको क्रिटिसाइज करते हो, तो पिक्चराइजेशन के हिसाब से गाने बहुत अच्छे होते हैं। चलिए तो आपको बता देना चाहता हूँ कि गाना सुनने में भले ही आपको बहुत ज्यादा अच्छा ना लगे, लेकिन पिक्चराइजेशन या देखने में मजा आएगा, आंखों को सूदिंग सा लगता है यार। और फिलहाल आपको पूरा का पूरा गाना दिखाते हैं, फिर लौट कराते हैं। आजा बैठ जा तू छोरी मेरी जीप में, नाना कोना बैठ छोरे तेरी जीप में। तो गाइस, ये है पूरा का पूरा गाना, और हालांकि गाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं इस गाने को जो भी स्टार दूंगा ना, इसकी पिक्चराइजेशन को देखकर ही दूंगा। और फाइनल वर्ड जानते हैं कुमार से, कुमार क्या कहना चाहेंगे। गौरव जी देखो, एक तो ये मैं रागनी का रीमेक ही कहूँगा इसको। अगर आप किसी चीज़ का रीमेक देखते हैं गौरव जी, तो क्या करते हैं आप कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन से गाना अच्छा है या फिर कौन सी वो पुराने वाली चीज़ अच्छी है या फिर नई वाली। तो कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो देखो रागनी बहुत सुपर हिट है, बहुत बढ़िया। और रागनी, और मेरे हिसाब से अगर कोई हरियाणा में अगर कोई रहता है या फिर स्पेशली गाँव से बिलोंग करता है, तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इस रागनी को ना सुना। तो रागनी बहुत बड़ी हिट है, लेकिन गाने के जब आप लिरिक्स सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस हिसाब से तैयार जो होना चाहिए था, तो उस हिसाब से तैयार नहीं हो पाया। तो ये थोड़ी कमी रही। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम चीजों को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चीजें ना थोड़ी खराब हो जाती हैं, मिसमैच हो जाती हैं। फिलहाल इस गाने को हम दोनों की तरफ से, यानी कि गौरव और कुमार की तरफ से मिलते हैं 2.5 स्टार्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। हालांकि गाने के बोल जो हैं बड़े डिफरेंट हैं, और गाने के बोल हैं द हरियाणवी मैशअप। हालांकि मुझे पहले THM9 हाँ और नोवा ये मैशअप है, मीन्स गाने को इन्होंने ना सीरीज बना दी यार गाने की, है ना, तो ऐसा होता रहता है। तो आपको बता दूं कि ये गाना जो गाया है, बड़ा ही डिफरेंट नेम है उनका, तोता राम सनोधिया जी, और उनका साथ दिया है दोबारा से रेणुका पवार का हम गाना ले रहे हैं, तो रेणुका ने उनका साथ दिया। और इसमें रैपर भी हैं, जी हाँ, गुरमीत हैं रैपर, गुरमीत बडाणा और लोकेश गुज्जर हैं,
देसी किंग, तीनों ही बड़े फेमस हैं। हाँ, तीनों बड़े फेमस, खासकर यूपी बिहार में बड़ा ही नाम इन तीनों रैपर का, यूपी में बहुत नाम है इनका। और एज अ डायरेक्टर जो काम किया है वो गुरमीत बढ़ाना ने किया इसमें। और फिलहाल आपको गाने के बोल सुनाते हैं, फिर लोड कराते हैं, यानी कि हम दोनों की जो फेवरेट वाली लाइन है वो दिखाते हैं। तो जी ये है हम दोनों की फेवरेट वाली लाइंस, और जानते हैं कुमार से, कुमार क्या कहना चाहेंगे? गौरव जी देखो, THM 9 यानी कि द हरियाणवी मशहब जो सीरीज है, मेरे हिसाब से फिलहाल जितनी भी सीरीज चल रही है, चाहे वो बाबा की सीरीज हो चाहे फिर ये सीरीज हो, तो सबसे लंबी मैं सीरीज को कहूंगा, क्योंकि अब इसका 9वां पार्ट है वो आ चुका है। बट बिल्कुल ये बहुत सारी वेब सीरीज का रिकॉर्ड तोड़ चुका है ये गाने की सीरीज। और देखो, लेकिन गौरव जी देखो जिस प्रकार से ये सीरीज बनी है, और हर बार जितना जो भी गाना आया गौरव जी, वो उससे भी बड़ा हिट गाना साबित हुआ है। अगर इससे रिसेंटली यानी कि जो 8वां जो पार्ट आया था इसका गाने का, वो तकरीबन 150 मिलियन से ज्यादा क्रॉस हो गया था। बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा वो गाना ट्रेंडिंग में ये भी है, ट्रेंडिंग में ये भी है गौरव जी। लेकिन अगर आप सुनते हैं और कंपेरिजन करते हैं ना कहीं गौरव जी, इस गाने में आपको उतना मजा नहीं आएगा जितना आपको पिछले गाने में आया। बिल्कुल बिल्कुल सही। 1.5 साल पहले जब इसका THM 8 जो गाना आया था, वो हमारे टॉप 10 में भी नंबर 1 पे चला था गाना बहुत बढ़िया था। लेकिन अब ये गाना जो आया है उसमें उस तरह का, चाहे वो म्यूजिक हो चाहे वो लिरिक्स हो, ये शायद टॉप 10 में जगह नहीं बना पाएगा। जी जगह बना लेगा, बट शायद उस टॉप पे नहीं जाए, टॉप 5 में भी ना आए शायद। तो उस हिसाब से गाने में काफी कमियां रही, चाहे वो गाने का म्यूजिक है चाहे वो लिरिक्स है। पिक्चराइजेशन ठीक है, और खासकर इसमें जो दिव्या जायंगड़ का जो डांस है, सच में बहुत कमाल का है। तो चलिए फिलहाल आपको पूरा का पूरा गाना दिखाते हैं, आप भी देख लो यार क्या कमियां और क्या अच्छी चीजें हैं इस गाने में। तो ये है जी पूरा का पूरा गाना, और गाना हालांकि मेरे अप टू मार्क्स नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा। बिकॉज सीरियसली कहूँ तो कई बार होते हैं ना, कोई चीजें आपके माइंड में हेड में क्लिक कर जाती है, ये उन गानों में से शायद नहीं रह पाएगा। और फिलहाल कुमार से फाइनल वर्डिक्ट जानते हैं, फिर स्टार्स तो मैं देने ही वाला हूँ। देखो गौरव जी, एक तो इस गाने में जो स्टार कास्ट है बहुत लंबी चौड़ी है और काफी फेमस भी है, चाहे वो गाने के जो रैपर हो, जैसा कि बताया देसी किंग हो, गुरमीत बढ़ाना हो, लोकेश गुज्जर इसमें सबसे बड़ा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ मैंने शो जब हम करते हैं लाइव शो करते हैं तो कई बार जो कॉलर आते हैं वो भी बोलते हैं कि लोकेश गुज्जर का कोई गाना चला दो, तो नाम काफी बड़े हैं। लेकिन उस हिसाब से जो काम होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं कमी रह गई। इस गाने के जो राइटर हैं, चाहे वो बाबा बहरूपिया हो या फिर खुद गुरमीत बढ़ाना हो, और डायरेक्शन का जिम्मा भी उन्होंने संभाला, लेकिन उस हिसाब से नाम और के हिसाब से जो काम होना चाहिए था वो थोड़ा सा नहीं हो पाया। तो चलिए फाइनल हम दोनों की तरफ से, यानी कि गौरव और कुमार की तरफ से, इस गाने को मिलते हैं ओनली 2 स्टार्स। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, और गाने के बोल बड़े डिफरेंट हैं। झाल तेरे दामन की, और गाना जो गाया है वो गाया है सोमवीर कथूरवाल ने, और एज अ मॉडल जो काम किया है वो किया है केडी ने, और उनका साथ दिया है श्वेता चौहान ने। और देखो लड़कियों के नाम पे मुस्कुराहट इनके चेहरे पे छाई जाती है। तो इस गाने में एज अ डायरेक्टर जो काम किया है वो किया है रफ्तार चौधरी ने, और फिलहाल आपको दिखाते हैं हम दोनों की फेवरेट वाली लाइन इस गाने की, फिर लोड कराते हैं। नाचण में मदहोश हो रही, नीचे नले जाकर तेरी घूंघट के माँ बिजली गेरा भूरी भूरी आँख रे। तो चलिए ये है हम दोनों की फेवरेट वाली लाइंस, एंड आई विश कि आप लोगों को भी अच्छी लगी होंगी, और मुझे बड़ी अच्छी लगी यार, बड़ा सूदिंग सा गाना है। और फिलहाल कुमार से जानते हैं इस गाने के बारे में क्या है खास। गौरव जी गाने का जो नाम है, टाइटल है, सच में देखो दामन वर्ड मेरे हिसाब से तो अब हर तीसरे चौथे गाने में जरूर ये वर्ड आ रहा है। और इस गाने के जो सिंगर देखो सोमवीर कथूरवाल, और उनको बारे में तो हम इस लायक नहीं उनको क्रिटिसाइज कर सके, क्योंकि बहुत ही सुरीले वो सिंगर है, बहुत अच्छा वो कमाल का वो गाते हैं। साथ ही इस गाने के जो राइटर हैं मंजीत मेहरा, सच में बहुत बढ़िया उन्होंने बोल लिखे हैं, कमाल के उनकी जो लिरिक्स है बहुत बढ़िया हैं। उसके अलावा इस गाने के जो डायरेक्टर हैं गौरव जी रफ्तार चौधरी, मैं लगभग 1 साल पहले उनसे मिला था, और वो उस वक्त DOP हुआ करते थे, बड़े ही मेहनती हैं। दाढ़ी वो हालांकि उन्होंने बढ़ा ली है, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपना इंडस्ट्री में कद भी बढ़ा लिया है, तो डेफिनेटली काम बड़ा अच्छा किया है। और डायरेक्शन में अब नए नए उतरे हैं तो काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि DOP देखो मेरे हिसाब से एक तरह से डायरेक्टर ही हो जाता है, और जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो चलिए गाना पूरा का पूरा दिखाते हैं, और फिर आपको बताएंगे कि फाइनली इस गाने को हम कितने देने वाले हैं स्टार्स। ओ डुंगे ना मट कहव गोरी चाल से दिल। तो चलिए ये है पूरा का पूरा गाना, और गाना मुझे अच्छा लगा।
ऐसा नहीं कहूँगा कि बुरा लगा, बिकॉज कुछ कुछ गाने होते हैं जो आपके जहन में ना रह जाते हैं, तो मुझे लगता है ये उन गानों से गाना है। और आपको बता दूं कि रफ्तार चौधरी, जैसे इन्होंने कहा कि दाढ़ी भी बढ़ा ली है और इंडस्ट्री में अपना कद भी बढ़ा लिया उन्होंने यार, अब डायरेक्टर के जिम्मा उन्होंने संभाल लिया और सब कुछ अच्छा किया यार। मुझे ऐसा नहीं कहूँगा कि देखो अब उनका अगर पहली बार था तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग काम करते हैं, मीन्स मेहनत करते हैं, उनके काम की तारीफ ज़रूर होनी चाहिए। और फिलहाल फाइनल वर्ड जानते हैं, फिर मैं बताऊँगा आपको इस गाने को कितने दे रहा हूँ स्टार। गौरव जी सबसे पहले देखो इस गाने की जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो गाने का म्यूजिक, यानी कि आप उसको सुनोगे तो आपको सुनने बहुत मजा आएगा, देखने के हिसाब से भी अच्छा है। और गाने में जिस प्रकार से काम किया, चाहे वो केडी है या श्वेता चौहान है, केडी भी अब इतने ज्यादा वो गाने कर रहे हैं, हर दूसरे तीसरे सॉन्ग में केडी आपको देखने को मिल जाएगा। और श्वेता चौहान लूट लिया गाने से खसरा चेहर के बाद, जब गाना करने के बाद काफी लोकप्रिय हो गई है और वो भी अब बहुत सारे लगातार गाने कर रहे हैं, तो काम बिल्कुल सबका बहुत ही बढ़िया, बहुत ही परफेक्ट है। तो सुनने के हिसाब से, देखने के हिसाब से गाना अच्छा है। चलिए गाना अच्छा है जी, और हम दोनों की तरफ से यानी कि गौरव और कुमार की तरफ से इस गाने को मिलते हैं 3 stars। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट गाने की तरफ, जो कि मेरा तो फेवरेट बन गया यार, और थोड़े थोड़े तेवर दिखाने पड़ते हैं इंसान को, है ना। और गाने के बोल जो हैं बड़ा तरारा तेवर है आपका, है हाँ, तेवर गाने के बोल हैं। और आपको बता दूं कि ये गाना जो गाया वो गाया राज मावर ने, और उनका साथ जो दिया है वो दिया है गुरलेज अख्तर ने, और गाना जो है ना पंजाबी और हरियाणवी मिक्स है, है ना। और इस गाने में खास बात ये है कि इस गाने में आज मॉडल जो काम किया है वो किया है हर्ष गहलोत ने, और उनका साथ दिया है मीनाक्षी शर्मा जी ने, और एज अ डायरेक्टर काम जो किया है वो किया है दीपक टागर जी ने। और आपको बता दूं कि ये गाना ना बहुत उम्दा बना है, और ये गाना आपको ना वो एक गाना था आर नेट का, और उसमें एज अ मॉडल सपना चौधरी ने काम किया था, और अफसाना खान ने वो गाना गाया था, उसकी थोड़ी थोड़ी याद झलक आपको दिखाएगा ये गाना। और बट इस गाने में खास बात ये है कि मुझको इसकी पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी लगी, थोड़ा धाकड़ सा लग रहा है यार, है ना, हरियाणवी स्वैग्स है बीच में। और आपको बता दूं कि इस गाने की खास बात जो है, अब यार सारी बातें मैं बताऊंगा तो कुमार क्या बताएगा ना, तो पहले आपको फेवरेट वाली लाइन सुनाते हैं, फिर लौट कर आते हैं कुमार से जानेंगे क्या है इस गाने में खास। तो गाइज ये हैं हम दोनों की फेवरेट वाली लाइंस, और मुझे पता है यार आपको ये गाना सुनोगे ना एक बार, सच्ची कह रहा हूँ यार, पूरा का पूरा गाना पसंद आ जाएगा, क्या कहते हो कुमार? बिल्कुल गौरव जी, गाना सच में बहुत ही कमाल का। और देखो गुरलेज अख्तर बहुत बड़ा वो पंजाबी इंडस्ट्री का नाम है, और बहुत उम्दा गाती बिल्कुल है। बहुत उम्दा वो गाती है, बहुत कमाल की उनकी वॉइस है, तो गाना सच में बहुत बढ़िया है। और जब आप इसको सुनते हैं तो साथ ही साथ देखो आपको पंजाबी और हरियाणवी तो दोनों का आपको मजा बिल्कुल मिलेगा, पंजाबी का भी और हरियाणवी लैंग्वेज का, और दोनों ही मिक्सअप नहीं हो रही। गौरव जी क्या हो रहा है कि देखो कुछ टाइम पहले ना सुमित गोस्वामी का एक सॉन्ग आ रहा है जिसमें हरियाणवी पंजाबी बहुत ज्यादा मिक्सअप हो गया था, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आप इस गाने को सुनोगे आपको सुन के बहुत मजा आएगा। गाना सच में बहुत बढ़िया बना है, चाहे वो पिक्चराइजेशन हो, गाने का म्यूजिक हो, लिरिक्स गौरव जी ऋषि राज मस्ताना ने इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं। और देखो कुछ टाइम पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो काफी कुछ टाइम के लिए वो इंडस्ट्री थोड़ा सा दूर हो गए थे, लेकिन अब दोबारा एंट्री करी और धमाकेदार मैं कहूँगा कि एंट्री करी बहुत, वो अभी 2-3 सॉन्ग उन्होंने रिसेंटली किया, तो सबके सब बहुत कमाल का वो लिख रहे हैं। कई बार कमबैक इंसान ना बहुत अच्छा करता है, इसलिए हमेशा जब भी आपके साथ कुछ बुरा होना तो डोंट टेक टेंशन, है ना। बिल्कुल उनके पास थोड़ा सा टाइम भी और टाइम भी था उस वक्त की सोचने का कि किस प्रकार से गाने करने कैसे लिखने। चलिए फाइनली आपको पूरा का पूरा गाना दिखाता हूँ यार, एंजॉय करो गाना, देखो यार तुम बड़ा मजेदार है। तो गाइस ये है पूरा का पूरा गाना, एंड आई विश यू गोना लव दिस वन, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को तो, और कुमार को अच्छा लगा ही होगा यार, है ना, नहीं लगा होगा तो लगवा देंगे अपा। और फिलहाल आप जानते हैं कुमार से, कुमार लास्ट वर्ड क्या कहना चाहेंगे? गुरु जी से गाने में जो एक्ट किया है हर्ष गहलोत का, जो डाकू वाला लुक है सच में बहुत कमाल का लग रहा है, और साथ ही मीनाक्षी शर्मा भी उन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया, काफी खूबसूरत लग रही हैं। साथ ही साथ इस गौरव जी इस गाने की जो पिक्चराइजेशन है, थोड़ी सी जो पुराना लुक है जिस प्रकार का, जो गब्बर टाइप का जो रुक राजस्थानी लुक है, वो चीजें आपको बड़ी इस गाने में कमाल की लगेंगी। साथ ही साथ गाने का म्यूजिक, पिक्चराइजेशन, एवरीबडी इज परफेक्ट। चलिए जी, एवरीथिंग इज परफेक्ट इन दिस सॉन्ग, एंड आई विश यू गोना लव दिस वन, और हम दोनों की तरफ से यानी कि गौरव और कुमार की तरफ से इस गाने को मिलते हैं 3.5 Stars. तो गाइस ये था आज का म्यूजिक लैब, और अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नए गानों के साथ, तब तक के लिए हम दोनों को दें इजाजत, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए हरियाणा बीट्स, डाउनलोड द ऐप नाउ।